और अब देखो पहले चल रही है इसकी कटाई, क्योंकि जब बाइक गड्ढे में जाती है ना तो हमारी चेन चेसी पे लगती है। ये देखो ऐसे लग के और इस क्लिप में फंस जाएगा। अब होने जा रही है वेल्डिंग। सीट गोली ना मनु भाई ने, वैसे इसमें तीन चार चूहे निकल के भाग गए। भाई यार एक्स ब्लेड की ब्रेकिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो भाई देखो हेडलाइट और इंडिकेटर स्मोक ब्लैक रैप हो चुके हैं। ओ भाई देख रहे हो कितनी प्यारी साउंड आ रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो टुडे शाउट आउट फॉर चित्रांश कुलश्रेष्ठ और भाई लिखते हैं अ क्वालिटी ब्लॉग लाइक एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स चैनल। तो थैंक यू सो मच भाई कि आपको मेरा काम इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन भाई अभी हमारे सब्सक्राइबर मिलियंस में नहीं है, पर ट्रस्ट मी एक दिन जरूर होंगे अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, एक दिन हम लोग मिलियन को भी टच करेंगे। सो भाई कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। आज का सीन मैं आपको बता देता हूँ, आज लगने वाला है हमारी सौरभ भाई की एक्स ब्लेड में एग्जॉस्ट। वैसे ही एग्जॉस्ट कल ही लग जाता, मैंने आपको बताया था उसके लिए हमें बैंड पाइप नहीं मिल रहा है तो एग्जॉस्ट को बेल्ट करके लगवाना पड़ेगा। वेल्ड करने के लिए हमें एक छोटे से पाइप की जरूरत पड़ रही जो कि एग्जॉस्ट के साथ आता है। जब हम बैंड पाइप यूज करते तब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम उसको लेके आएंगे और तब उसको बेल्ट करके लगवा लेंगे। लेकिन यार वो छोटा सा जो पाइप होता है वो एग्जॉस्ट के साथ आता है, लेकिन यार वो मिल ही नहीं रहा। मैंने काफी ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिल रहा। आज फिर ये सीन बना कि हम उसके बिना ही एग्जॉस्ट को बेल्ट करवा देंगे। सौरभ मेरे पास काफी टाइम से आ गया, कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग थोड़ी सी पेंडिंग थी तो वो खत्म होकर ब्लॉग अपलोड हो चुका है, तो अभी फटाफट से हम भी निकलते हैं। तो भाई घर से निकल चुके हैं और सामने देखो चल रही अपनी एक्स ब्लेड, और इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ना भाई ये बहुत ज्यादा बल्की लगता है। इसके निकलने के बाद ना भाई लुक्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एक्स ब्लेड की। तो भाई आज हम लेके निकले हुए अपनी एंटॉर्क को, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट संडे राइड में हमारी डोमी के साथ सीन हो गया था। चेन के नीचे जो रबड़ होती है वो कट गई थी, जिसे चेन स्लाइडर बोलते हैं। अभी मैं डोमी को कम चला रहा हूं, तो मैंने कासन वाली एजेंसी में फोन करके पूछा था, जो वाकई हेड है विशाल भाई वो अपने सब्सक्राइबर है, तो विशाल भाई ने अपना नंबर मुझे दिया हुआ है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो आने से पहले। तो मैंने उनको फोन करा तो चेन स्लाइडर स्टॉक में नहीं था, तो उन्होंने पता करके मुझे बताया कि एटा अवेलेबल है, एटा स्टॉक में है। तो फिर मैंने आरब को फोन कर दिया तो आरब ने चेन स्लाइडर ले तो लिया है, अभी जब आरब वहाँ से आएगा तो हमें चेन स्लाइडर मिल जाएगा और हम यहाँ पे लगवा लेंगे। तो इसीलिए मैं उसको कम चला रहा हूँ, क्योंकि जब बाइक गड्ढे में जाती है ना तो हमारी चेन चेसी पे लगती है, इस वजह से मैं उसको कम ही चला रहा हूँ। तो जल्दी चेन स्लाइडर को लगवाएंगे, फिलहाल आज लगवाते हैं एग्जॉस्ट। तो भाई बाइक लेट चुकी है अपनी और अब देखो पहले चल रही है इसकी कटाई। ये यहाँ देखो जॉइंट से अलग हो रहा है, इन फ्यूचर अगर हम चाहें तो इसको निकलवा के इसको भी लगवा सकते हैं, ये वापस से लग जाएगा। क्यों मनु भाई लग जाएगा ना? लग जाएगा। तो भाई स्टॉक वाला एग्जॉस्ट कट के बाहर आ चुका है और भाई ये काफी भारी है। तो भाई पाइप तो कट चुका है और यहाँ पे देखो एक क्लिप भी लग चुकी है, ये देखो ऐसे लग के और इस क्लिप में फंस जाएगा। मोनू भाई अभी देखो नट लेने गए, वो नट यहाँ पर लग जाएगा और ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, और इसको लगने के बाद फिर यहाँ पे होगी बेल्डिंग। तो भाई देखो नट लग चुका है, अब होने जा रही है बेल्डिंग। तो भाई अपना एग्जॉस्ट लग चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखो ये बेल्डिंग और यहाँ पे देखो ये क्लिप लगा के दो नट लगा दिए, तो काफी मजबूत हो गया, हिलेगा नहीं। कमेंट करके बताना कि आवाज कैसी आ रही है। तो गाइस एग्जॉस्ट का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, जो टायर अगर है इसको भी निकलवा रहे हैं, पीछे की लुक सही नहीं लग रही, इसको निकलने के बाद ना टायर एक्सपोज हुआ। जो भाई देखो अब कुछ ऐसी लुक देखने को मिल रही है, जब तक टायर अगर लगा होता है ना तो टायर एक्सपोज नहीं होता, और टायर एक्सपोज नहीं होता तब तक मजा नहीं आता लुक्स में। अभी देखो कितना खतरनाक लुक आ रहा है पीछे से। भाई देखो अभी सीट खुल चुकी है, वायरिंग चेक हो रही है, हॉर्न की जो वायरिंग है वो कटी हुई निकली है, और जैसी सीट खोली ना मनु भाई ने, वैसे इसमें तीन चार चूहे निकल के भाग गए। घर से लेके आया, घर से ही बैठे हुए थे, और ये देखो वायरिंग ये वाली नहीं कटी है, इसकी कवरिंग काट दी है और ये वायर निकले हुए हैं। ये देखो एक ही निकला हुआ है, एक ही निकला हुआ है, ये चूहों ने काट दिए। और ये देखो बाइक की बॉडी भी काट दी है, तो इसका सारा काम खत्म हो गया है। अभी इसको लेके चलते हैं छोटी सी राइड पे और देखते हैं कि भाई कितनी लाउड हो चुकी है अपनी एक्स ब्लेड। काफी सही लाउड हो गई है भाई, आवाज में ना काफी सही बेस आ रहा है। ये देखो और भाई एग्जॉस्ट लगवाने के बाद ना थोड़ा सा बाइक का इनिशियल बढ़ जाता है, ये देखो हल्की सी पावर बढ़ जाती है बाइक की।
ब्लेड की ब्रेकिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसकी ब्रेकिंग यार बहुत गंदी लग रही है मुझे। तो भाई अभी रुकते हैं रिलायंस पे, क्योंकि मुझे एंटॉर्क में फ्यूल अप कराना है, उसका फ्यूल खत्म होने वाला ही है। 310 की इसमें डाल देना, 310। भाई ये भी 160cc है, निखिल वाली अपाची भी 160 है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि निखिल वाली ज़्यादा लाउड है और ये उतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं लाइन लगी है आगे, तो अब मिली है भाई मस्त रोड, इस पर थोड़ा सा खींच के देखते हैं इसको। सही रह गई और रोड खत्म हो गई। और भाई देखो कल जो यहाँ पे ट्रक गिर पड़ा तब वो निकल चुका है। इसमें हम बैकफायर नहीं मार सकते, इसमें किल स्विच ही नहीं है। भाई अपनी एंटॉर्क की हालत देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है। ये बारिश में मडगार्ड निकाल दिया ना मैंने, तो बारिश में छींटे इसके ऊपर आते हैं, तो बहुत गंदी लग रही है, वॉश करानी पड़ेगी ये भी। और अपनी डोमी भी काफी ज्यादा गंदी हो गई है। भाई टायर अगर निकलने के बाद देख रहे हो कितनी खतरनाक लुक आ रही है पीछे से, और एग्जॉस्ट भी निकल चुका है। पहले वाला एग्जॉस्ट का बहुत ज्यादा बल्की लगता था, अभी देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है। ओ भाई स्कॉर्पियो एन क्या खतरनाक लग रही है ब्लैक कलर में। ओ भाई देख रहे हो कितनी प्यारी साउंड आ रही है। तो भाई यहाँ पे रुकते हैं, अभी एक काम और बचा हुआ है जो एक्सप्लोर में होना है। तो भाई अभी देखो इसमें ना इंडिकेटर पे और हेडलाइट पे स्मोक क्रैप होने वाला है, जो ब्लैक होता है, जो हमने अपनी एंटॉर्क पे कराया था, ये देखो ब्लैक ब्लैक होता है। तो ये होगा इंडिकेटर पे, आगे वाले इंडिकेटर पे, पीछे वाले इंडिकेटर पे और हेडलाइट पे। उसके बाद लुक चेक करना आप। तो भाई देखो हेडलाइट और इंडिकेटर स्मोक ब्लैक रैप हो चुके हैं, और लुक देखो कितनी ज़्यादा अग्रेसिव आ रही है। ये देखो आगे से ऐसी लुक आ रही है और पीछे से कुछ ऐसी लुक आ रही है। अभी एक दो मोड्स इसमें और होने हैं, अभी तो हैंड गार्ड लगने हैं और इसमें वाइजर चेंज होना है, वो जो कि बाद में होगा। आज के लिए इतना ही था भाई, बाकी अभी निकलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 4:42 हो रहा है, हम लोग निकले थे 12-1 बजे करीब निकले थे।